गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीजीआर परिसर पौड़ी में सुबह से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्र संघ चुनाव को लेकर परिसर प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन ने भी सभी तैयारियां पूरी की। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो इसके लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स परिसर में तैनात किया गया है। परिसर के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रोफेसर राजेश डंगवाल ने बताया कि छात्र संघ चुनाव के लिए सुबह 8 से 11 बजे तक मतदान हुआ। उन्होंने बताया कि जिसके बाद 1:30 बजे से विभिन्न पदों के लिए मतगणना शुरू हुई। बताया है कि अभी परिसर में मतदान प्रक्रिया चल रही है जिसको लेकर छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पौड़ी से मुकेश बचेती की रिपोर्ट। हमें एक तो अध्यक्ष सबसे पहले ये चाहिए कि जो अध्यक्ष हम लोग कई बार क्लासेस होती है तो कई बार जैसे पीरियड टाइम भी नहीं हो पाते हैं, कई बार इधर उधर जैसे बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है गाड़ी जैसे कई हम लोगों को पहले से काफ़ी प्रॉब्लम हुई है इस मामले में कि क्लासेस की टाइमिंग के उसमें जैसे कोई टाइमिंग होती थी 3 से 4 और हम लोगों को ये परेशानी होती थी कि 3 से 4 हम लोगों को गाड़ियाँ नहीं मिलती थी, तो हमें एक बस की व्यवस्था चाहिए जो दूर के बच्चों को मतलब पहुंचा सके उनके घर तक ताकि वो टाइम पे उनके माता पिता भी बस वो रहे मिस भी कर रहे और टाइमिंग ये होनी चाहिए कि जिससे बच्चा भी मतलब ये हो सके कि थोड़ा सा टाइम आ भी पाए और जा भी पाए। जो इस समय इस परिसर में जो पोलिंग होगा लगभग 1150 से ऊपर का लगभग वोटर हमारे पास टोटल होगा और उसमें सभी बच्चों के अंदर जोश है वो आ रहे हैं और अभी लगभग ये समझिए आपकी 10% से ऊपर पोल हो चुका है और जैसे जैसे समय बढ़ा तो छात्रों की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है और क्यू में लड़के खड़े होने लगे तो प्रेशर एक साथ आएगा, लेकिन हमें आशा है कि अच्छे ढंग से छात्र इसमें।